भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज में बीते 24 घंटे में 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत होने व प्रदर्शन के बाद साहेबगंज का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। SDM, CTDSP व विधि व्यवस्था DSP के नेतृत्व में इलाके में छापेमारी कर शराब बेचने वाले मुन्ना चौधरी, श्याम चौधरी व इन दोनों की पत्नी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। परिजनों द्वारा सब के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को रोक पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों की माने तो शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है और एक के आंख की रोशनी चली गई है। SDM धनंजय कुमार के मुताबिक जिन 4 लोगों की मौत हुई है सभी संदिग्ध हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जो भी मामले सामने आए हैं सभी संदिग्ध हैं। CTDSP प्रकाश कुमार ने कहा कि अभी शराब पीने से मौत नहीं कह सकते, सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अगर शराब पीने से मौत हुई होगी तो कार्रवाई अवश्य होगी। ज्वाइंट रेट पड़ेगा। आप बताइए प्रॉब्लम ये लफड़ा नहीं होगा। उस दिन आए यूनिवर्सिटी थाना उस दिन तो बात थोड़ी सुनिए सर बोला था हमसे बोलने दीजिए ना कि यूनिवर्सिटी क्षेत्र आए वो लास्ट किनारा तक गए वो बोलते मेरा क्षेत्र नहीं वो लौट के चल गए। अब हम किसका माने कि वो क्षेत्र है गणवटिया का था मेरा क्षेत्र नहीं ना क्षेत्र इसी का हम मतलब DSP को फोन कर दे SSP को फोन कर साहब को कॉल किया देखिए 13 मार्च की जो हम कॉल कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हर नहीं उठा पाए कोई बात नहीं इसका निराकरण होगा इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अच्छा उसको हम भी आज क्लियर कर दे हो गया ठीक बस और हम कुछ नहीं करेंगे वाकई नाम दूसरा अपना वहाँ पर बोलती है ये मेरा नहीं है ना बोलती है मेरा नहीं है। आप चलिए एक बार कंफर्म कर दीजिए क्षेत्र किसकी है और दोनों थाना के मतलब आज आए हुए आप सुनो 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 एक चीज देखो क्षेत्र किसका है किसका नहीं है यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है। आज ये मुद्दा ये है कि दोनों थाना एक साथ रहे जॉइंट रेट समझ रहा है अपना दिमाग क्लियर करो थोड़ा। ये मुद्दा ये नहीं है किसका है किसका नहीं है ये सबका है। समाज का ही प्रॉब्लम है ये पुलिस का ही प्रॉब्लम है ये आपकी शांति समिति का मेंबर सबका प्रॉब्लम है सब एक है समझे। पहला तो ये अपने दिमाग से हटा दे। रेड होगा कहीं भी सूचित होता है कोई भी चिन्हित होता है उसमें ज्वाइंट कितनी मौत की मामले आए हैं सर अभी तक जो अभी तक कितने संदिग्ध मौत हैं सर आपके द्वारा सूचना दी गई है कि अभी लगभग 4-5 की संख्या में। लोग का ये भी कहना है कि एक दिन पहले मतलब कुछ डेथ हुई उसका हम लोग सत्यापन कर लेते हैं और फिर आप लोग को जो संपूर्ण जो जानकारी होगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर क्या कहा जा रहा है सर? देखिए ये तो सत्यापन का विषय है प्रथम दृष्टया तो अभी कुछ नहीं कुछ संदिग्ध सभी लोग तो बोल ही नहीं रहे सर। देखिए ये तो सत्यापन का विषय है एक बार हम लोग कर लेते हैं कंफर्म। लेकिन प्रशासन खुल के क्यों नहीं बात कर रही मीडिया से कि आखिर में कारण क्या है आपका स्पष्ट क्यों नहीं बता? नहीं देखिए हम लोग जैसे बात करते हैं तुरंत से तो तुरंत से चीजें नहीं होती है जांच होता है उसमें एक समय लगता है उसके बाद जानकारी दी जाती है। इससे पहले भी लोगों इससे पहले भी मौत हुई है मामला लेकर उसमें तो कहाँ किया बात सबोट सब दो उसमें तो आप लोग भी थे ही साथ में सभी परिवार वाले सभी हम लोग उसमें स्पष्ट उनका बोलना था और वीडियो वगैरह भी है उनका स्पष्ट बोलना था कि उनकी तबीयत वगैरह पूर्व से ही खराब रहती थी और फिर उसमें उसी दौरान वो तो खैर एक अलग मामला है लेकिन यहाँ पर जो भी अभी घटित हुई है उस पर भी फोकस करें। लेकिन सर DPO साहब और उनकी लगातार जो पांच मौते सर लग पहले हम लोग एक बार सत्यापन कर लें जांच कर लें फिर हम लोग आप लोग इन मौत को लेकर सर मेडिकल टीम को क्या अभी सर नहीं सर अभी तक क्या मामला आया सर? हाँ अभी दो लाशें हैं दो मौतें हुई हैं एक और कल भी ऐसा सूचना मिल रहा है कि कल भी एक मौत हुई थी जिसको इन लोगों ने जला दिया है और एक हॉस्पिटल अभिषेक नाम का एक लड़का है जो हॉस्पिटल में अभी इलाजरत है उसका इलाज चल रहा है। क्या कारण लग रहा है सर लगातार? कारण अभी स्पष्ट नहीं है इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है लेकिन हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो भी चीज़ें सामने आएगी उसको फिर उस पर हम लोग अनुसंधान करेंगे। यदि आप लोगों का सस्पेंशन सही होगा तो फिर हम लोग जो सप्लायर साइड है कौन कहाँ से दारू आया किसके पास से आया उसको चिन्हित करेंगे फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई। एक श्याम चौधरी का नाम आ रहा है सर जिसका घर की तलाशी भी ली गई क्या उसकी गिरफ्तारी भी हुई है सर? अभी तक तो अभी मिला नहीं हुआ हम लोग गए थे तलाशी लेने के लिए जैसा कि लोगों के द्वारा बताया गया कि
पीछे उसके घर के पीछे रखा हुआ है। उन्हें तुरंत एक टीम बना के वहाँ भेजा, लेकिन वहाँ कुछ बरामद नहीं हुआ। यदि बाद में बरामद होता है या कभी भी बरामद होता है तो गिरफ्तारी होगी। उसका नाम लेकिन जो परिजन लगातार लेना है सर, लगातार ले रहे हैं, तो अभी तो हम भेजे लेकिन मिला नहीं, तो अभी हम तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकते। थैंक यू सर। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।